रामेश्वरा शिव रामेश्वराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले। महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि। और आज शिवरात्रि का दिन है और फ्रेंड्स इस समय मॉर्निंग का टाइम है और हम नहा धो के एकदम चंगा हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर के पास में ही एक मंदिर है, तो पहले हम लोग वहां पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और उसके बाद आएंगे, फिर उसके बाद घर पे भी मंदिर की पूजा करेंगे। तो ये हो रहा है, पहले वहां पे जल डाल के आते हैं फिर घर पे पूजा करते हैं। तो पहुंचते हैं फटाफट पास के मंदिर में शिवालय। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मेरे मतलब मोहल्ले के बाहर ही है और ये पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग यहाँ पे है और यहाँ पे पूरे मोहल्ले के लोग और इर्द गिर्द के लोग यहाँ पे आके जल चढ़ाते हैं। यहाँ पे हम तीनों जल चढ़ाने के बाद, बगल में दुर्गा जी की मंदिर है तो वहाँ पे भी मैं सिंदूर चढ़ा रही थी, मतलब मुझे सुहाग लेना था वहाँ। वहीं भी देखो रखा हुआ है, मिल गया मिल गया, लाओ। यहाँ पे सुहाग लेने के बाद यहाँ पे हनुमान जी को टीका मेरे हस्बैंड लगा रहे थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि हनुमान जी को स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आशीर्वाद लेने के बाद सीधा घर की ओर निकल गए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे घर पे हमने अभी पूजा नहीं की थी, मतलब मैं सुबह सुबह पहले ये वाले मंदिर पे आ गई, फिर मैंने सोचा था यहाँ से जाएंगे तब हम घर पे पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हम दोनों घर पे आ गए और आप ध्यान से देखिए कि आप अक्सर देखते भी होंगे, जो लोग मेरी ब्लॉग देखते होंगे वो जानते होंगे कि जब हमारे घर में कुछ होता है, मतलब कुछ खास होता है, मतलब जो स्पेशल वाली पूजा होती है जैसे आशिवरात्रि है या कृष्ण जन्माष्टमी है या नवरात्र है, ये वाली जब पूजा होती है तो ऐसे रूटीन पूजा चाहे हम लोग अलग अलग करें, मगर जब ये इस टाइप की स्पेशल पूजा होती है तो हम हस्बैंड वाइफ साथ में ही करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हम दोनों ज़्यादातर हर काम साथ में ही करते हैं, क्योंकि अच्छा भी लगता है। हरि हरि भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब हम पूजा कर रहे थे और वहाँ पे हम जल डाल के आ भी चुके थे अपने मतलब मोहल्ले के बाहर, तो मेरे हस्बैंड पूजा करते करते कहे कि चलो कहीं दर्शन करने चलते, तो हम लोग वहीं पे कुछ प्लान करने लगे कि हम लोग कहाँ दर्शन करने चले। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे घर की पूजा हो चुकी है, अब हम लोग मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बालेश्वर धाम मंदिर जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये रायबरेली से कितने किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है। और अभी तक हमने इस मंदिर का दर्शन नहीं किया है, क्योंकि हमेशा इत्तेफाक ऐसा रहा कि हम नहीं जा पाए उस मंदिर में, अभी तक हम लोग दर्शन नहीं किए, तो ये डिसाइड हुआ कि हम लोग चलो वहीं दर्शन करते हैं। तो आज पहुँच रहे हैं भोले बाबा की नगरी। तो जय महादेव। और यहाँ पे जैसे ही मैं कार से उतरी और ये बच्ची मुझे दौड़ती दौड़ती आई, कही दीदी मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैं इसके साथ फ़ोटो वोटो खिंचाई। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री किए, मेरी एक फैन आके मुझे मिल गई और मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम कहीं जाते हैं और सबसे पहले लोग आ जाते हैं, मुझे पहचानने वाले मिल जाते हैं। और भोले बाबा की नगरी हम लोग पहुँचने वाले हैं, यहाँ से काफ़ी दूर पैदल हम लोग को वॉक करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी की पार्किंग बहुत दूर हो चुकी है। और यहाँ देखिए पीछे हर हर महादेव। तो फ्रेंड मैं घुसते ही चौंक गई और क्योंकि ये भैया को मैं पहचानी थी, ये भैया एक्चुअली मुझे चिल्ला के बुलाया कि दीदी मेरा वीडियो बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको पता होगा फ्रेंड्स कि मैं मंगल बाजार का ब्लॉग शूट कर चुकी हूँ, तो ये सब वही सब वो सारे व्यापारी जो थे वो यहाँ पे लगा चुके थे। फाइनली पहुँच गए महादेव की नगरी और मन इतना आनंदमय हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। फ्रेंड्स बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। Let me go.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफी भीड़ है, दर्शन पाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि काफी यहाँ पे भीड़ चल रही है और हम लोग चल भी नहीं पा रहे हैं। भगवान का मंदिर देखते ही बस ये फील आती है कि हे ईश्वर सबको सुखी रखो। इतना अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती, ये बहुत अच्छा धाम है रायबरेली में। कभी भी अगर आप बाहर से हो तो यहाँ पे दर्शन करने जरूर आइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और यहीं पे बगल में फूल उल मिल रहे थे और प्रसाद वसाद मिल रहा था, तो हम लोग ने यहाँ पे चप्पल जूते उतारे किनारे, प्रवेश द्वार के किनारे उतारे और फिर वहाँ से फूल उल ले करके फिर हम लोग सोचे कि अब दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट भी हो चुके थे, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले शिवालय गए फिर उसके बाद घर में पूजा की तो थोड़ा हो ही जाता है, काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग देखा जाए तो दोपहर हो गई थी जब यहाँ पे दर्शन करने लोग आए थे। तो फ्रेंड दर्शन करने के लिए यहाँ पे लाइन में लगना था, तो यहाँ पे जेंट्स की अलग और लेडीज़ की अलग लगी थी, तो मैं अपनी लाइन में लग गई थी, मेरे हस्बैंड की तो जेंट्स थे तो उनकी लंबी ज़्यादा लाइन थी। और फिर हम लोग ने फटाफट क्या किया कि लाइन में लग करके पहले दर्शन करने के लिए सोचा, क्योंकि हम लोग को पहला टारगेट था कि हम लोग यहाँ पे आके दर्शन करें, इसके पहले हम कभी मतलब इस मंदिर में कभी नहीं आए थे। और फ्रेंड्स वहाँ पे जल डालने के बाद अपोजिट साइड में ये काली जी का मंदिर था, तो फिर हम लोग यहाँ पे भी आ गए मतलब दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी और आप देख सकते हैं कि मंदिर से जस्ट एकदम मतलब बगल में ही एकदम तालाब था, वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था यार, मतलब अटैच था ना मंदिर से तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। और उसमें कई ठो बतक मतलब पले हुए थे, तो जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे या उनको कुछ खाने को दे रहे थे तो वो हम लोग के पास आ जा रहे थे, तो ये चीज़ बड़ा क्यूट लग रहा था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ की काफ़ी शोभा ये तालाब बनाया हुआ है, और मैं बता दूं कि यहाँ पे कई बतक पले हुए हैं और जो बहुत पास आ जाते हैं, जब कुछ खाने के लिए दीजिए तो बहुत पास आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये सब दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़े तो ये मेरी फॉलोअर्स मुझे मिल गई, तो फिर मैं इनके साथ भी फोटो तो क्लिक कराना शुरू कर दी। तो ये जो भाभी जी है ये यहाँ पे मुझे पहचान गई, ये बहरहाल मुझे इंस्टाग्राम से पहचान गई, अधिकतर लोग मुझे यूट्यूब या फेसबुक से पहचानते हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे हूँ। और थैंक यू रक्षा, ये इनका नाम रक्षा, अच्छे लगते हैं इनके रील्स हमें। तो दर्शन हो गए, अब घर की ओर निकलते हैं। तो फ्रेंड जाते समय तो धुन था कि हम लोगों को दर्शन सबसे पहले करना है, मगर लौटते समय भी हम लोग सामान वामान देख रहे थे पर समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, तो बड़ा कंफ्यूजन था। तो बहरहाल हम लोग ने कुछ लिया नहीं और मेरा फास्ट भी था मेरी पूरी फैमिली का, तो हम लोग ने कुछ खाया पिया भी नहीं और फिर सीधा ये हुआ कि घर ही चलते हैं, क्योंकि अब व्रत है तो क्या कहीं रुकना। और हम लोग सुबह से ही समझ लीजिए एक तरह देखा जाए तो बाहर ही बाहर थे। तो फ्रेंड्स मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखा करिए। थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, भगवान आप पे असीम कृपा की बरकत। जा जा के नाश 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 जा